कोरोना की तीसरी लहर मजीद खतरनाक। मुल्तान के मजीद दो इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मदीना कॉलोनी गली नंबर 1 चौक शाह आबाद बंगला रब नवाज पूनी ब्रिज पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। की शहादत के बाद कायदे आजम मेडिकल कॉलेज भावलपुर की इंतजामिया मुतहरिक हो गई। भावल विक्टोरिया अस्पताल में SOPs पर अमल दरामद मजीद सख्त कर दिया। मास्क और ग्लव्स लाजमी करार दे दिए। दो दिन पहले हमारे एक सीनियर रजिस्ट्रार सर्जरी के डॉक्टर जफर इकबाल वो कोरोना से शहीद हुए। इससे पहले भी हमारे दो सीनियर डॉक्टर जो हैं वो कोरोना की वजह से शहीद हो चुके हैं। डॉक्टर शफकत अली तबस्सुम का कहना था कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आउटडोर और तमाम वार्ड्स में आने वाले मरीजों को सख्ती के साथ मास्क के इस्तेमाल की हिदायत की गई है। हमने अपने डॉक्टर्स को और सारे पैरामेडिकल स्टाफ को सख्ती से हिदायत की है कि वो SOP पे अमल करें, मास्क पहने, ग्लव्स पहन के मरीजों को चेक करें और बहुत ज्यादा रश ना होने दें कमरे के अंदर, और बाकी पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स को भी वो फोर्सली उनको मजबूर करें कि वो सब लोग मास्क पहने। भावल विक्टोरिया अस्पताल में कोरोना से शहीद होने वाले डॉक्टरों की तादाद 3 हो गई है। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतर लाशारी, भावलपुर।